सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। मैं आपके लिए लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाते रहूंगा। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तथा फ्रेंड, मैंने वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। आज मैं आपके लिए लाया हूं 12 अगस्त का करंट अफेयर्स। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में LIC ने किस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यस बैंक। LIC ने यस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गूगल। गूगल ने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड लॉन्च किया है। गूगल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में यह स्थित है। इसके संस्थापक हैं साइक ब्रिज एंड लेरी पेज। इसके सीईओ और संस्थापक हैं सुंदर पचाई, कार्यकारी अध्यक्ष एरिक रिस्टम और सह संस्थापक हैं सगेई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को ICC अंपायर के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा, KN अनाथा पद्मनाभन। KN अनाथा पद्मनाभन को ICC एम्पायर के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। ICC का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ICC एक ऐसी संस्था बन चुकी है जो वर्तमान समय में दुनिया भर में क्रिकेट के संबंधित प्रतियोगिता एवं स्पर्धा आयोजन का संचालन करने का काम करती है। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को की गई। ICC का मुख्यालय दुबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर जाएगा, महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। श्रीलंका देश के बारे में जानकारी देख लीजिए, इसकी राजधानी जो है वो जयवर्धनेपुरा कोट्टे और पूर्व इसकी राजधानी थी कोलंबो। सबसे बड़ा नगर है कोलंबो। इसकी राजभाषा है तेला और तमिल। राष्ट्रपति है गोटाबाय राजपक्ष। इसके प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। यूनाइटेड किंगडम से इसकी स्वतंत्रता हुई थी 4 फरवरी 1948 और यह गणराज्य बना था 22 मई 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इटली के क्लबा यूवेंटस ने 2019-20 सीजन के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इटली के क्लबा यूवेंटस ने 2019-20 सीजन के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है, यह पुर्तगाली है। इटली के बारे में जानकारी देख लीजिए, इटली यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है। इसकी राजभाषा इतलावी है। इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1861 में और इसकी गणराज्य जो है 2 जून 1946 को मनाया जाता है। इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मट्टेरेला और इसके प्रधानमंत्री हैं Giuseppe Conte। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए।
ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा DIAL। DIAL ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है। DIAL इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल और साइन एस पर महिला प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ट्रैफिक सिग्नल और साइन एस पर महिला प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर मुंबई बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पेरू। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेरू देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लीमा है। सबसे बड़ा नगर भी लीमा है। आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। इसके राष्ट्रपति हैं मार्टिन विजकारा, उपराष्ट्रपति है मर्सिडीज एरियोज और प्रधानमंत्री हैं रोजर मार्टोस रुइस। इसकी घोषणा हुई थी 28 जुलाई 1821, सांकेतिक 9 दिसंबर 1824 और मान्यता इसको 14 अगस्त 1879 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलेक्जेंडर लुकाशुको किस देश के छठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस। एलेक्जेंडर लोकाशुको बेलारूस देश के छठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। बेलारूस देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी है मिनिस्क। राजभाषा है बेलारूसी और रूसी। राष्ट्रभाषा है बेलारूसी। इसके राष्ट्रपति हैं एलेक्जेंडर लुकाशुको। प्रधानमंत्री है दिमित्री रुमास। इसकी घोषणा हुई थी सोवियत संघ से स्वतंत्रता मिली थी इसको घोषणा उसकी 27 जुलाई 1990 को। स्थापित हुआ था 25 अगस्त 1991 को और पूर्ण दर्जा इसको मिल गया था 25 दिसंबर 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में COVID-19 वैक्सीन रजिस्टर्ड करने वाला पहला देश कौन बना है? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा रूस। COVID-19 वैक्सीन रजिस्टर्ड करने वाला पहला देश रूस बना है। रूस के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी है मॉस्को। सबसे बड़ा नगर भी मॉस्को है। इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। यह पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से और यह आकार की दृष्टि से देखा जाए तो इसको भारत का ये 5 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदीराम बोस शहीद दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 11 अगस्त। 11 अगस्त को खुदीराम बोस शहीद दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगस्त महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनको मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूं, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को मैत्री दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को ही नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 11 अगस्त को खुदीराम बोस शहीद दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही पुस्तकाध्यक्ष दिन मनाया जाता है। 13 अगस्त को बाएं हाथ के बल्लेबाज दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को संस्कृति दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है भारत में। 15 अगस्त को ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त को पांडेचेरी विलय दिवस मनाया जाता है। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 18 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, 24 अगस्त को कोलकाता के जन्मदिन का दिवस मनाया जाता है, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है, 27 अगस्त को मदर टेरेसा जयंती मनाई जाती है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में रुधिर टंडन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक सभी जगह सोशल नेटवर्क साइटों पर सभी जगह शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि सभी लोगों की हेल्प हो पाए। शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड।